हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस की थी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर 2 का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। वहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग मिल चुका था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ये मैं डिस्कस कर चुकी थी। तो आज मैं मेनली डिस्कस करने जा रही हूँ इन्फेंसी के बारे में, इन्फेंसी द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उस दिन मैं बोली थी हम लोगों का डेवलपमेंट का मेनली चार स्टेजेस है, चार स्टेजेस में हम लोग डेवलप होते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी और एडल्टहुड। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ इन्फेंसी, जो कि हम लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है। तो मेनली तुम लोगों को इन्फेंसी का मीनिंग चाहिए होगा, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगा और साइकोफिजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंसी चाहिए होगा, और एक टॉपिक चाहिए होगा कि एजुकेशनल प्रोविजंस क्या है इन्फेंसी का। तो मेनली ये चार टॉपिक तुम लोगों को इन्फेंसी टॉपिक में पढ़ना होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फेंसी का मीनिंग। तो इन्फेंसी क्या है? इन्फेंसी हम लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है, जो शुरू होता है बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है, और वो कंटिन्यू है टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 0 to 5 ईयर्स कवर करता है हम लोगों का इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, तो इन्फेंसी क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है, जो 0 to 5 ईयर्स कवर करता है। और इन्फेंसी स्टेज को हम लोग एज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेज है इन्फेंसी, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस स्टेज में उन लोगों के मन में बहुत क्यूरियसिटी रहता है, क्यूरियसनेस के वजह से वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। इसीलिए इन्फेंसी जो स्टेज है उसको एज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो मीनिंग में बस तुम लोग इतना ही लिखना, इन्फेंसी हम लोग का लाइफ का फर्स्ट स्टेज है, हम लोग का जन्म लेने के साथ साथ ये स्टेज शुरू हो जाता है, कंटिन्यू होता है 5 ईयर्स तक, और इस एज को हम लोग एज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी बोले जाते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्फेंसी का, कैरेक्टरिस्टिक्स। और तुम लोगों को मैं पहले भी बोल देती हूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेडिंग्स, ये सारा इन्फेंसी में भी तुम लोगों को मिलेगा, हेडिंग सेम हेडिंग तुम लोगों को मिलेगा चाइल्डहुड में, इसके बाद मिलेगा एडोलेसेंस में, लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या है वो सारा तुम लोग अच्छे से सुन लेना। जैसे कि इन्फेंसी का फिजिकल ग्रोथ अलग है, और चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ हम लोग का अलग होता है, हेडिंग दोनों का सेम रहेगा, लेकिन उसमें कैसे हम लोगों का ग्रोथ होता है वो समझ लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है क्विक फिजिकल ग्रोथ। तो इसमें बोला गया कि ये जो हम लोग का स्टेज है इन्फेंसी स्टेज में हम लोग का सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है, बाकी स्टेजेस में इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड सॉरी एडोलेसेंस हो, चाइल्डहुड हो, बाकी मेच्योरिटी हो, उसमें हम लोग का इतना ज्यादा फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है जितना कि इन्फेंसी में होता है। इन्फेंसी स्टेज में हम लोग का सबसे ज्यादा क्विक एंड स्पीड रहता है हम लोग का फिजिकल ग्रोथ में, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है उसका जो वेट है वो वेट डबल हो जाता है विद इन 5 मंथ्स। मतलब सपोज एक बच्चा जन्म जितना वेट लेके होता है, 5 मंथ्स कंप्लीट होते ही उसका वो वेट डबल हो जाता है, और 1 साल के अंदर अंदर वो ट्रिपल हो जाता है। तो तुम लोग आइडिया लगा ही सकोगे कि ये कितना ज्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है, क्योंकि हम लोग का इन्फेंसी चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस हो, हम लोग का इतना अगर वेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सपोज तुम लोग जिस स्टेज में हो या मैं जिस स्टेज में हूँ, इस स्टेज में हम लोग का जितना वेट है अगर विद इन 5 मंथ्स डबल हो जाएगा, 1 साल में ट्रिपल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हाल होगा? ये पॉसिबल नहीं है बाकी स्टेजेस में, लेकिन इन्फेंसी में ही क्या होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसका 5 मंथ्स में उसका वेट डबल हो जाता है और विद इन 1 ईयर ट्रिपल हो जाता है। उसके बाद इतना ज्यादा वो वेट नहीं बढ़ता है कंपैरिजन टू ये फर्स्ट 1 साल में जितना होता है, लेकिन फर्स्ट 1 साल में सबसे ज्यादा उन लोगों का वेट बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज में ही मेनली हम लोग का जो मोटर एक्टिविटी है, मोटर एबिलिटी जो है, जैसे कि बैठना हो, स्टैंडिंग हो, वॉकिंग, रनिंग, ये सारा हम लोग सीख जाते हैं विद इन 3 ईयर्स। मतलब हम लोग इन्फेंसी में ही ये सारा कुछ सीख जाते हैं, बैठना हो, दौड़ना हो, खड़े रहना हो, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मोटर एबिलिटी जो है हम लोग का डेवलप हो जाता है विद इन 3 ईयर्स।
तो इसीलिए मैं बोली हूँ कि ये जो स्टेज है इन्फेंसी, इसमें हम लोगों का सबसे ज्यादा क्विक फिजिकल ग्रोथ होता है। विद इन 5 मंथ्स हम लोग का वेट डबल हो जाता है, और विद इन 1 ईयर एक बच्चा का जो वेट है वो ट्रिपल हो जाता है, और विद इन 3 ईयर्स वो बैठना, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारा सीख जाता है, जितना कुछ मोटर एबिलिटीज है। सेकेंड है प्लेफुलनेस। तो प्लेफुलनेस में क्या है, देखो जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही विद इन 5 ईयर्स हम लोगों का इन्फेंसी स्टेज रहता है। तो इस स्टेज में क्योंकि हम लोगों का मोटर एबिलिटी डेवलप हो जाता है, हम लोग बैठना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं इन्फेंसी स्टेज में, इसीलिए ये सब की वजह से बच्चे क्या हो जाता है, प्लेफुल हो जाते हैं। मतलब वो लोग खेलना चाहते हैं, ज्यादातर टाइम वो लोग खेल कूद में स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि विद इन 5 ईयर्स बच्चे ज्यादा खेलते हैं, लेकिन चाइल्डहुड में भी ये प्लेफुलनेस तुम लोगों को वो मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा अकेले खुद का टॉयज के साथ खेलना चाहते हैं, वो किसी से ज्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं। और डिफरेंस तुम लोगों को चाइल्डहुड में मिलेगा कि चाइल्डहुड में बच्चा क्या करना चाहते हैं, ग्रुप में खेलना चाहते हैं, टीम गेम खेलना चाहते हैं, और इन्फेंसी में टॉयज के साथ अकेले घर में खेलना चाहते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहते, घर में रह के ज्यादातर टॉयज के साथ, खिलौनों के साथ वो खेलना पसंद करता है विद इन 5 ईयर्स। तो तुम लोग के आसपास कोई होगा ऐसे 5 साल के अंदर कोई भी बच्चा होगा तो तुम लोग देख सकोगे, क्योंकि वो इन्फेंसी स्टेज का बच्चा है। तो इन्फेंसी स्टेज में वो लोग खेलना कूदना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादातर टाइम खेल कूद में स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अपने टॉयज के साथ घर में रह के खेलना पसंद करता है। थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन्फेंसी में भी हम लोग का क्या हो जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। हम लोग जब एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स का हो, एल्डर्स का हो, वो बात सुन के इमिटेट करके वो धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होता है। वो पहले विद इन 6 मंथ्स या कोई महीने तक ये क्या करता है, कोई मतलब मीनिंगलेस जो वर्ड है, कुछ भी हम लोग को समझ में नहीं आता वो लोग क्या बोलते हैं, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ बोलना सीखते हैं। तो ऐसे बोलते बोलते वो लोग एक पोजीशन में हो जाते हैं कि विद इन 3 ईयर्स वो लोग अपना मादर टंग बोल पाते हैं, लेकिन उसके पहले वो कुछ ना कुछ वो सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इसीलिए कुछ मीनिंगलेस वर्ड 6 मंथ्स तक वो कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स बोलते हैं, और 1 ईयर तक वो सिंगल वर्ड सीखते हैं, एक एक वर्ड, उसको जोड़ना या पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है। 1 साल में वो एक एक वर्ड बोलना पता है, सपोज मम्मी पापा, ये जो एक एक भैया दीदी दादा ये जो बोलते हैं, तो ये सारा विद इन 1 ईयर्स एक एक वर्ड सीखता है। विद इन 6 मंथ्स वो मीनिंगलेस बोलते हैं, लेकिन विद इन 3 ईयर्स जब 3 ईयर्स उसका कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा तरीके से अपना मदर टंग बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब स्कूल जाता है तो दूसरे और अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, लेकिन विद इन 3 ईयर्स उसका मेनली मदर टंग डेवलप हो जाता है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, वो मदर टंग बोल पाता है। नेक्स्ट है क्यूरियसिटी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फेंसी स्टेज का, क्योंकि इन्फेंसी जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, उन लोग के मन में क्यूरियसिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। वो कहीं भी जाते हैं, एनवायरमेंट में कुछ भी देखता है, उसके मन में क्वेश्चन आने लगते हैं। इसीलिए देखना ये विद इन 5 ईयर्स का कोई भी बच्चा तुम अगर साथ में रहोगे, इतना क्वेश्चन करते हैं कि ये कुछ भी देखा, ये क्या है, क्यों है, क्यों हुआ है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसी स्टेज में उन लोग के मन में क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। वो लोग अपने एनवायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। इसीलिए हम लोगों का मीनिंग में भी मिला है कि क्या है, इन्फेंसी जो स्टेज है उसको एज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी बोला जाता है। तो एम आई क्लियर, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ईजी है, तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइको फिजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी का क्या क्या नीड्स है, उन लोगों का साइको फिजिकल नीड्स मेनली 4, बुक में तुम लोग का बहुत सारा है कैरेक्टरिस्टिक्स नीड्स बहुत सारा है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 4 डिस्कस कर रही हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए। तो फर्स्ट नीड है फिजिकल नीड। तो इन्फेंसी जो स्टेज है हम लोगों का, इसमें हम लोग फिजिकली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग का फिजिकल नीड ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो स्टेज है 0 to 5 ईयर्स, उसमें अब एक बच्चा खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ भी वो
नीड ऑफ फूड, क्लॉथ, फिजिकल केयर, रेस्ट, स्लीप, कुछ भी काम करना हो वो खुद नहीं कर पाता है, खाना खाने से लेके हो, इसके बाद सोना हो, इसके बाद कपड़ा पहनना हो, खाना, मतलब कुछ भी काम वो खुद नहीं कर पाता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है विद इन 5 ईयर्स। तो इसीलिए फर्स्ट नीड क्या है, फिजिकल नीड, ये फिजिकली पूरा टोटली डिपेंडेंट रहता है दूसरों के ऊपर। नेक्स्ट है नीड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी। तो ये जो स्टेज है वो इस स्टेज में सबसे ज्यादा इमोशनली सिक्योर फील करना चाहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स है, जो एल्डर्स है, उन लोगों से वो लोग सिक्योर रहना चाहते हैं, इमोशनली सेफ एंड सिक्योर रहना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है देखना, जो विद इन 5 ईयर्स का जो बच्चा है, अगर घर में कोई बच्चा है और दूसरा कोई बच्चा बाहर से अगर आए हैं और उसके मम्मी पापा अगर उसमें गोद ले वो दूसरों को गोद में लिया हो या ज्यादा कुछ वो करने लगे, वो घर का बच्चा रोने लगता है, क्योंकि वो तब सिक्योर फील नहीं करते, इमोशनली सिक्योर फील नहीं करते, उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा दूसरों को प्यार कर रहे हैं, मम्मी पापा ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए वो रोने लगता है, क्योंकि ये जो स्टेज है इस स्टेज में सबसे ज्यादा इमोशनली सिक्योर वो लोग फील करना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, वो लोग लव चाहते हैं एल्डर्स से, पेरेंट्स से, वो लोग इमोशनली अटैच रहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मतलब ये पेरेंट्स से दूर नहीं रह पाते हैं। थर्ड है नीड ऑफ लव। तो जैसे कि सेकेंड पॉइंट में ही समझा चुकी हूँ कि ये स्टेज में इमोशनल सिक्योर रहना चाहते हैं, मतलब सब उसको पसंद करे, प्यार करे, वो चाहते हैं, तो ये मेनली स्टेज का इम्पोर्टेंट नीड है। इसमें क्या होता है, इमोशनली डेवलप हो जाता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, प्यार चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स से हो, घर का फैमिली मेंबर से, वो लव चाहता है, अफेक्शन रहता है वो। लास्ट है नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियसिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को मिला था कि इसमें हम लोगों का क्यूरियसिटी बढ़ जाता है, क्यूरियस रहते हैं बच्चे, इसीलिए क्या बड़ों को क्या करना चाहिए, एल्डर्स को, कि वो जो भी पूछे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे उसको अच्छा जवाब देना चाहिए, आंसर सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए, ताकि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, अच्छे से हो पाए, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो भी सीखते वो सारे भूलते नहीं है, उन लोगों का कंसेप्ट फॉर्म होने लगता है इस स्टेज से, इसीलिए इन्फेंट्स कुछ भी क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए बड़ों को, ताकि वो जो भी सीखे सही सीखे, अच्छा कुछ सीखे, इसलिए क्वेश्चंस करने से उन लोगों को अच्छे से आंसर करना चाहिए। तो मेनली ये चार फिजिकल साइको फिजिकल नीड्स है इन्फेंसी का, और बहुत सारा है, मैं चार समझाई हूँ तो इजी है, तो तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने से तुम लोग बोल सकते हो। लास्ट जो हम लोगों का इन्फेंसी का जो वो है टॉपिक है वो है एजुकेशनल प्रोविजन, मतलब एजुकेशन फील्ड में क्या क्या प्रोविजंस रहना चाहिए इन्फेंट्स को, वो सारा देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों का चार पॉइंट्स है। फर्स्ट है प्रॉपर केयर इज नीडेड टू अवेकन द डोमिनेंट नहीं या डोरमेंट क्वालिटी होना चाहिए होगा सॉरी डोरमेंट क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड। तो एजुकेशन प्रोविजन में क्या होना चाहिए, बच्चों का जो डोरमेंट क्वालिटीज है, जो इनहेरेंट क्वालिटीज है, जो टैलेंट्स है, उसको बाहर लाने के लिए प्रॉपर केयर लेना चाहिए स्कूल्स में। इसीलिए देखना जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होता है या प्राइमरी सेक्शंस में क्या हो जाता है, उन लोगों को ज्यादातर क्राफ्ट्स दिया जाता है, एक्टिविटीज दिया जाता है, ताकि वो एक्टिविटीज और क्राफ्ट्स के थ्रू उन लोगों का जो डोरमेंट क्वालिटीज है, जो इनहेरेंट क्वालिटीज है, टैलेंट्स है, वो सब बाहर आए। तो ये सारा प्रोविजंस प्राइमरी या प्री प्राइमरी स्टेज में रहना चाहिए इन्फेंट्स के लिए। सेकेंड है काम एंड पीसफुल एनवायरमेंट फॉर द एजुकेशन शुड बी मेड। तो इन्फेंट्स ऐसे भी देखो वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, वो लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, एनवायरमेंट में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग क्यूरियस होने लगते हैं, इसीलिए उन लोगों का जो एनवायरमेंट है जहाँ पे पढ़ते हैं वो लोग, एजुकेशन जहाँ से लेते हैं, सपोज स्कूल हो या घर में पढ़ रहे हो, तो वो एनवायरमेंट पीसफुल होना चाहिए, काम होना चाहिए, ताकि वो लोग अटेंशन दे पाए पढ़ाई में, नहीं तो उन लोग का नेचर ही है क्यूरियसिटी, बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, बाहर कुछ भी होगा तो वो क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, उसका अटेंशन प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे पढ़ाई में, इसीलिए बोला गया प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, काम एंड पीसफुल एनवायरमेंट में बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
Next step, parents and teachers should take proper care for physical, mental, emotional and moral development. तो जैसे कि मैं पहले भी बोली हूँ कि इन्फेंसी जो हम लोग का स्टेज है, इस स्टेज में हम लोग मेंटली डेवलप होने लगते हैं। इसीलिए जो भी चीज, जो भी वो क्वेश्चंस करे, ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे चीजें, अच्छा चीजें सिखाना चाहिए, ताकि वो बड़े होके उसका असर रहे, वो अच्छा जो सीखे, क्योंकि इस स्टेज में जो सीखते हैं सारा कुछ वो याद रखते हैं बड़े बड़े होने तक। तो इसीलिए पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए, टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ताकि उसका प्रॉपर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट हो पाए। लास्ट है, इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू मेंटेन नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स। तो उन लोगों को उसी स्टेज से इंस्ट्रक्शन ऐसे देना चाहिए कि हम लोगों का जो सराउंडिंग्स है, हम लोगों का जो एनवायरमेंट है, उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस क्या है वो सारा उन लोगों को समझाना चाहिए, ताकि वो लोग धीरे धीरे वो उन लोगों में डेवलप हो जाए, वो जो बड़े होंगे वो प्रॉपरली डेवलप हो पाए, उन लोगों का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हो पाए, वो लोग सारा कुछ हाइजीनिक रह सके। मेनली ये सब में इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये चार हम लोगों को मिला एजुकेशनल प्रोविजन। तो इन्फेंसी का बस यही सारा टॉपिक हम लोगों को चाहिए होगा, इन्फेंसी का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोफिजिकल नीड्स एंड एजुकेशनल प्रोविजंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड का मीनिंग चाहिए होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स उसमें भी सेम चाहिए होगा। तो यहाँ पे मेनली हम लोग का चार कैरेक्टरिस्टिक्स मिला, क्विक फिजिकल ग्रोथ, प्लेफुलनेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्यूरियसिटी, और भी बहुत सारा है, डिपेंडेंस, जैसे कि इन्फेंसी में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है वो दूसरों के ऊपर, खुद नहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सारा यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलना चाहूंगी, एनिमिज्म जो है, एनिमिज्म ये इन्फेंसी स्टेज का सबसे ज्यादा बड़ा वो है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनिमिज्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे उन लोगों को लगता है कि सभी चीजों में जान है, जैसे कि हम लोग कुछ चीज चुभने से, काटने से हम लोग रोते हैं, हम लोगों को वो होता है, हार्ट होते हैं, हम लोग पेन होता है, तो उन लोगों को लगता है कि सभी चीजों में जान है। इसलिए क्या करता है, देखना बच्चा अगर गिर जाता है जमीन पर या फ्लोर पर गिर जाते हैं, तो हम लोग फ्लोर में मारते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि फ्लोर के वजह से वो गिरा है, तो फ्लोर को भी मारना चाहिए, फ्लोर को भी दुख पहुंचाना चाहिए। तो ये है सेंस ऑफ एनिमिज्म। तो ऐसे बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेनली तुम लोग को चार पढ़ने से हो जाएगा, एनाफ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स के बारे में। इन्फेंसी टॉपिक में अगर तुम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।